Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे. उदयन, नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. धन्यवाद मनोज. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी. थैंक यू मनोज. डोमेस्टिक स्टॉक्स क्लोज फ्लैट. सेंसेक्स एंड्स एट 51,935. निफ्टी सेटल्स एट 15,575. रुपी वीकेंड्स 28 पैसा अगेंस्ट द यूएस डॉलर. एंड ब्रेंट क्रूड प्राइसेस राइज टू डील नियर $72 पर बैरल, ट्रेडिंग एट इट्स हाईएस्ट सिंस मार्च. घरेलू शेयर बाजार में बिना किसी खास बदलाव के हुआ कारोबार. सेंसेक्स 51,935 पर हुआ बंद. निफ्टी 15,575 दर्ज हुआ. एक डॉलर की तुलना में रुपया 28 पैसे कमजोर हुआ. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत इस वर्ष मार्च के बाद अपने उच्चतम स्तर $72 प्रति बैरल के आसपास पहुंचे. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में आज कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला और प्रमुख सूचकांक अपने पूर्व स्तर के नजदीक ही बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 3 अंक घटकर 51,935 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक कम होकर 15,575 दर्ज हुआ. छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन भी लगभग सपाट ही रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.01% बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.31% की गिरावट हुई. द सेंसेक्स टुडे एंडेड फ्लैट, टेकिंग अ ब्रीदर नियर द 52,000 मार्क. द डोमेस्टिक स्टॉक्स रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज्ड इवन एज द ग्लोबल क्यूज वर पॉजिटिव. द सेंसेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्लिप्ड 3 पॉइंट्स टू क्लोज एट 51,935. द निफ्टी एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो फेल 8 पॉइंट्स but remained above the 15,500 level to settle at 15,575. In the BSE broader market, the mid-cap index settled almost flat as it added marginally by 0.01%, while the small-cap index declined 0.31%. In the Sensex pack, shares of 14 companies climbed while 16 logged losses. ONGC was the top gainer as it gained 3.5%, followed by Bajaj Finance, which gained 2.9%. SBI climbed 2%, while HDFC and Bajaj Auto both surged 1.1%. In the list of companies which fell, ICICI tumbled 1.8% and Ultratech Cement plunged 1.6%. Asian Paints fell 1.5%. Axis Bank, ITC and Kotak Bank slipped 0.7% each. In sectoral indices, shares of 8 sectors climbed while 11 fell. The energy and oil and gas sectors both surged 0.7%. Industrials and consumer durable sector stocks added 0.3%. In sectors which locked losses, metal declined 1.6%, basic materials lost 1.1% and BankEx fell 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,812 companies fell while 1,323 gained. Shares of 135 companies remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 28 पैसे कमजोर हुआ. 72.90 रुपए के स्तर पर आ गया. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.1% कम होकर 89.82 पर चला गया. हम उदयन समझना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया बाजार में आज की गतिविधि पर. कुल मिलाकर यदि देखें तो 8 सेक्टर हैं वो बढ़त में रहे हैं, जबकि 11 नुकसान के साथ बंद हुए हैं. और मामूली परिवर्तन हम देख रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप जो हमारे सूचकांक हैं उनमें भी. क्या दर्शा रहा बाजार का ये मूड? ये एक कंसोलिडेशन को दर्शा रहे हैं मनोज. कंसोलिडेशन और थोड़ा मूवमेंट, मार्केट मनोवर
रोटेशन जिसे कहते हैं, रोटेशन प्ले जिसे कहते हैं कि आप इक्विटीज में ही रह रहे हैं, स्टॉक्स में रह रहे हैं, परंतु आप नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप नजर फेर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सेक्टर या उन स्टॉक्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। जो रोटेशन प्ले दूसरे बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा जा रहा है, वही चीज हम भारत में भी कई जगह में मनोज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का भी की भी खबरें हैं, तो ये इसका कुछ मिला जुला हिसाब किताब है जिस वजह से ये इस टाइप का आपको सिचुएशन नजर आ रहा है। और अगला जो मील का पत्थर है या इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो है वो आरबीआई की मीटिंग रहेगी और काफी कुछ नजरें लोगों की उस मीटिंग पर रहेगी कि आरबीआई किस प्रकार की समीक्षा करती है और किस प्रकार के निर्णय लेती है। मिस्टर डे, private firm has also come out with the manufacturing PMI figures for the manufacturing PMI figures today, which says that manufacturing PMI slips to 10 months low due to low demand. Do you think these weak economic figures and the fact that yesterday the GDP growth rates also came out for the financial year 2020-21, do you think the markets were also reacting to that? No, I don't think so. I mean, if you think that in some cases the figures turned out to be marginally better than what some experts were looking at. So nobody was expecting any earth-shattering things to come in, and I think the markets have handled it quite well. But I would like to point out a particular aspect of the figure that came out, and which I think is important. The figures actually indicate, the quarter four figures indicate what might be the scenario if there is a measure of control of the current pandemic. So at that time, the current outbreak, the so-called second wave, was not there. And it is providing us a glimpse of the kind of growth that can happen if we get the situation under control. So I would like to draw your attention to the services. There was a growth in the services sector, the services figure, and which is basically which is going to be the final growth burst when we actually get on top of the current situation. And that's where the most of the growth is going to come from, simply because our economy is more than 50% services. So this actually, there's another way of looking at it, and that's what the market obviously has understood, that when things get under control, which they eventually will, and it's only a question of when, then the growth mojo will be back. And that's what I think the markets have understood that. So given that the indices are at an all-time high right now, both the Sensex and the Nifty, what would you suggest, what would you say for the common investor, the person who's not looking into a very long-term investment, what would be the suggestions for the common investor in this bull market? Well, if somebody's not looking at a long-term investment, a long-term play. Or let me clarify, even if it's a long-term investment for the common man who's looking as a secondary source of income. So in this scenario, what would be your suggestions? Well, if somebody's looking at it as a secondary form of income, a passive income, then as an investor, then you should not theoretically be looking at equity markets, simply because it goes up and down in the short term, and in the long term you get the return. So then you things don't belong here. But having said that, maybe the way to look at it is, where would I invest so that a couple of years down the line, say maybe 5 or 6 or 7 years down the line, I can get money. I'm talking about investments in equity. So if you are investing in a particular stock, then it should be something which will be growing. You know for a fact that there's evidence that it's going to grow, its earnings is going to grow, and therefore you can partake of a part of that earnings, and therefore when you're feeling confident about it, you put in the money. If you don't feel confident, nothing is going away, you lose nothing. You just have to wait for the right opportunity, wait for it, and then invest. So unless you understand how the stock is going to play out, especially its earnings, if it's got a track record and you're very confident that track record, earnings visibility and earnings growth is going to happen, that's when you should be looking at investing in that particular stock. So it shouldn't be that mid-cap or some kind of other theme that you're looking at without looking into the individual company.
हम उदिन आपका ध्यान आकृष्ट जो कल के आंकड़े आए हैं उनकी ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। हम यदि पूरे वित्त यानी बीते वित्त वर्ष का प्रदर्शन देखें और उसमें खास तौर से जो चौथी तिमाही के आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए बात करें तो इसी अवधि यानी अभी जो महीना चल रहा है मार्च अप्रैल मई या और पिछले वर्ष का मार्च अप्रैल मई हम देखें उसकी तुलना में इस वर्ष और चौथी तिमाही के आंकड़े यानी पूरा एक वर्ष किस रूप में परिवर्तन को दर्शा रहा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं और जो वर्तमान दूसरी लहर लगभग बीतती हुई नजर आ रही है कोविड की और आने वाले दिनों में तीसरी लहर के जो आशंकाएं दिखाई जा रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सीमित लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन करेगी, पिछले वर्ष के जो कह लें आंकड़े रहे हैं खासतौर से चौथी तिमाही के उन्हें ध्यान में रखते हुए आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। देखिए मनोज, अगर दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि इस पूरे जो सिचुएशन है स्थिति का असर उतना नहीं पड़ा है, एक तो है कृषि से जुड़ी हुई जो कैटेगरी है जिसको सीएसओ ने डिफाइन किया जहां इसके फिगर्स है, दूसरा है पब्लिक यूटिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये दो कैटेगरीज हैं जहां पे ये पाया जा रहा है, कम से कम जितना सबने देखा है अभी तक समझा है वहां पे इसकी आंच इतनी जोर की लगी नहीं है जाकि वनस्पति इसके की दूसरे जो क्षेत्र है। हैविंग सेड दैट मनोज, ये भी सच है कि अगर आप ऑटो के आंकड़े आए हैं, ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े आए हैं और कई हमारे देश की कई जगह में काफी लॉकडाउन का असर रहा, जैसे तमिलनाडु वगैरह जैसे राज्यों में जहां पर ऑटो की काफी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होती है, वहां पे काफी असर पड़ा है। पर फिर भी अगर आप आंकड़े देखें, पिछले साल इसी वक्त एक लॉकडाउन सा था और इस साल भी है, पर हम बेहतर समझे हैं सिचुएशन को। आप देखेंगे प्रोडक्शन बेहतर रहा है, एक्सपोर्ट्स बेहतर रहे हैं कुछ कंपनीज के, कुछ और जगह में कुछ और मानदंडों में बेहतर रहा है। तो ये जब आप रिबाउंड पाएंगे तो सबसे पहले जो रिबाउंड आएगा जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले उसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर आप सर्विसेज में देखेंगे, सर्विसेज में कैसी जगह जैसे खुदरा जो रिटेल स्मॉल रिटेल लार्ज रिटेल वहां पे आप असर धीरे धीरे करके देखेंगे, टूरिज्म में बाद में आएगा, ट्रैवल में बाद में आएगा। तो ये हमारा पूरा जो हिस्सा है ग्रोथ का इंजन अभी बंद पड़ा हुआ है या बहुत सीमित लेवल पे काम कर रहा है, वो एकदम से उसको जब आजादी मिलेगी अगर हम इसको कंट्रोल कर जाते हैं करंट सिचुएशन में जो कि जिस तरफ हम अग्रसर हैं, तो आप पाएंगे कि वो पूरा जो पूरी की पूरी जो ताकत है हमारी इकोनॉमी की वो वापस आ जाएगी और उसमें हमें एक पोटेंशियल जो है जिसमें चल रहे थे उसमें वापस आ जाएंगे और वो जितना हमने एक वक्त खोया है और पीछे रह गए उसको मेकअप करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। मिस्टर स्टेइंग ऑन विद द जीडीपी फिगर्स दैट केम आउट यस्टरडे, नाउ टुडे मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज service, that's a rating firm, that has come out and said that Indian economy would rebound in the current fiscal year, that is 2020-21-22, and post a growth of 9.3%. But do you think, given the current scenario, given the figures that came out yesterday and the fact that India is still, you know, finding its way across through the second wave, and there is, like Manoj just said, there is a fear that there is going to be a third wave. It's also, do you see a double-digit growth for financial year 2020, like the RBI's prediction was 10.5% and economic survey said 11.5%? I would say it's possible, although at the moment, people are still trying to understand the impact. So we still are trying to understand what the impact of this whole situation has been, how supply lines have been impacted, how supply chains have been impacted, employment has been affected. So people are trying to understand that how much of an impact will rural demand, how would rural demand, for instance, be impacted, because quite a significant amount of areas in rural areas, rural population has got affected. So we need to know that. But apart from that, I would like to point out some of the main areas where economic activity in our country is not uniformly distributed. It is, you have economic hubs. Now, if in those economic hubs, which are typically urban areas, if you get a control over this situation, then the economic engines get restarted or they start functioning smoothly. So
So there's a lot of argument or a lot of narrative that's given that every human being in this country has to be inoculated. Of course they have to be. But for to make a difference in the economy, where the economic centers are there, economic hubs are there, that's where you need to get the vaccination and the protection and everything in place. Once you've done that, then engines are running, and then you can isolate the other areas and fix them. So you don't have to, get the whole thing under control at one go. There has to be a targeted approach, which I think the government is absolutely doing it. उदयन, हम रुपए पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे. आज 28 पैसे कमजोर हुआ है, 72 रुपए 90 पैसे पर आ गया है. रुपया आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन करेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? देखिए मनोज, ये जो रुपए के बारे में आज आपने कही, वो डॉलर इंडेक्स के बारे में शायद आप खबर पढ़े तो डॉलर इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है. पर जो बात हमें दिमाग में रखना है कि वो काफी कुछ जो रुपए की जो मूवमेंट है, रुपए कैसे आगे बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा तेल के दामों पे. जैसे कि आप शायद तेल के दामों के बारे में चर्चा भी करेंगे, खबरें भी पढ़ेंगे कि तेल के दाम वो बढ़े हैं. अगर ईरान का तेल का सप्लाई आ जाता है, वो अभी काफी बातचीत चल रही है, वापस वो इंटरनेशनल मार्केट में आ जाते हैं, तो फिर से एक स्टेबिलिटी सी आ जाएगी. अगर ईरान की सप्लाई नहीं आ पाती है तो तेल के दाम अगर ऊपर बढ़ते हैं तो रुपए के ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और उसके साथ मुद्रास्फीति का भी एक प्रेशर बन सकता है. ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने एक दो साल पहले देखी थी, दो एक साल पहले देखी थी हमने ये स्थिति. तो वही प्रेशर हम दोबारा देख सकते हैं. तो काफी कुछ डिपेंड करता है कि तेल का हिसाब किताब कैसे चलेगा, क्योंकि बड़े जो कंट्रीज हैं, बड़े हमसे जो बड़े इकोनॉमीज हैं जैसे अमरीका, चाइना, वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और उनका डिमांड बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है. तो इसलिए तेल के प्राइसेस के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर है, जिसका इम्पैक्ट हमारे रुपए के ऊपर जरूर पड़ेगा. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर तेजी बनी रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रैली का अनुकूल असर एशियाई शेयर बाजार पर दिखा और प्रमुख सूचकांक एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. हालांकि जापान में बिकवाली तेज रही और निक्की 225 सूचकांक 0.2% घाटे के साथ बंद हुआ. हांगकांग का हिंगसेंग 1.1% लाभ में रहा. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% फायदे के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की वृद्धि हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% ऊपर आकर बंद हुआ. यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी. अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 1.1% ऊपर चल रहा था. जर्मनी के डैक्स में 1.4% की वृद्धि थी और फ्रांस का कैक 40 0.8% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. उधर अमरीका के शेयर बाजार कल मेमोरियल डे के अवकाश में बंद रहे. ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है. उदयन, आपने अभी भी चर्चा की कि अमरीका और यूरोप, वहां पर स्थितियां काफी तेज गति से बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं. अमरीका में खासतौर से टीकाकरण के बाद जिस तरह से सहूलियत दी गई है और लोग बाहर निकलने लगे हैं, क्या हम उम्मीद करें कि जो अर्थव्यवस्था का, वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है, वह अमरीका आगे बढ़ेगा तो उसका लाभ हमारे देश को भी मिल सकेगा या भारतवर्ष को भी मिलेगा? बिल्कुल मनोज, ऑलरेडी जो आप शेयर स्टॉक मार्केट में अप मूव देखते हैं तो काफी कुछ पैसा इमर्जिंग मार्केट्स मतलब भारत भी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर कैटेगरी में आता है, तो वहां पे उनको बेनिफिट तो मिला है. और कैश स्पेंड करने की के बारे में बात करी, जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाओं के ऊपर एक बिल पेश किया जा रहा है जो कि पारित करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जितनी वहां पर स्पेंडिंग होगी उतना कैश उनके सिस्टम में आएगा और वही कैश इवेंचुअली मूव करके इमर्जिंग मार्केट की तरफ आएगा. पर ये तो रही एक बात हमारे अर्थव्यवस्था में के बेनिफिट के बारे में, जो कि फाइनेंशियल फ्लोज की वजह से आ रही है. पर मनोज, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जैसे जैसे हम
करंट सिचुएशन, जो ये महामारी की जो सिचुएशन है उसमें जैसे जैसे कंट्रोल करेंगे तो वो हमारा भी जो ग्रोथ इंजन है वो अपने आप फुल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो वो हम सिर्फ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज के ऊपर हमारी ग्रोथ आधारित नहीं है, हमारी इंटरनल ग्रोथ इंजन भी है, बरकरार है, उसमें कोई डैमेज नहीं हुई है। ये ही है कि महामारी की वजह से हम नॉर्मल साधारण इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, वो दोबारा जैसी रीस्टेट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, आप पाएंगे कि हम काफी कुछ जो ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे करके रिगेन कर जाएंगे। उदिन, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि क्या यही कारण है, यही विश्वास है जिसके चलते जो भारतीय शेयर बाजार हैं उसमें घरेलू निवेशक और उसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उनका विश्वास बना हुआ है कि जो मौलिक बुनियादी ढांचा है, बुनियादी कारण है, वो काफी मजबूत हैं और भारत तेज गति से बढ़ेगा। बिल्कुल मनोज, ये अजम्पशन तो है ही, और कहने को ये हो सकता है कि एक ब्रॉड एक जो दिशा है वो इस तरफ जा सकता है, जाने के बारे में सबको कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोई हमारा हमारे देश के कोई तबका या इकोनॉमिक कोई सेक्शन हो सकता है, छोटा या बड़ा, जिसको इस महामारी की सिचुएशन की वजह से एक प्रतिकूल असर पड़ा है और वो कुछ वक्त ले सकता है, ये जरूर हो सकता है। मान लीजिए किसी एरिया में डिमांड मांग में इम्पैक्ट हो गया, बिकॉज वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हो गया, पर ये पूरे हम क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और इतना डाइवर्सिफाइड है तो हम इस टाइप के शॉक से झेलने के लिए हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो एक विशाल देश होने के कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, हमारे प्रॉब्लम भी विशाल काय होते हैं, पर हमारे जो एडवांटेजेस हैं, हमारी जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो भी विशाल काय होते हैं, हमारे एडवांटेजेस भी मैमथ हैं। तो हमें जब हम इसका आकलन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये दोनों के बारे में ख्याल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वन साइडेड बायस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस हो जाती है। जी, आइए आगे बढ़े। Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today called upon Government E-Marketplace or GEM to expand its scope and include more participants in GEM portal for public procurement of products and services. He said that it should provide opportunities to MSMEs to showcase their products. Mr. Goyal added that the portal should be cautious against cartelization by sellers. Mr. Goyal stressed that integration of GEM with the railway e-procurement system towards the unified procurement system for buyers should be done expeditiously. He said this will usher in a lot of savings for the public exchequer. The minister said that this will also pave the way for big ticket procurements by the petroleum and steel sectors. The Commerce Minister said that the pilot bidding of railway buyers through integrated system is expected to commence by August end. The Minister said that about 50,000 crore rupees worth annual procurement may be done by the railways on GEM following the integration. यहाँ पर हम आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि यह जो यानी पोर्टल है यह किस रूप में सहायक साबित हो रहा है, खासतौर से जो मंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का यहाँ अवसर मिलना चाहिए। देखिए मनोज, किसी ई मार्केट प्लेस के कुछ एफिशिएंसीज होते हैं। अगर ई मार्केट प्लेस जो है, जो डिजिटल मार्केट प्लेस होता है, वहां पे एक तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं और जो आपके जो लॉजिस्टिकल खर्चे हैं, दूसरे जो मूवमेंट फास्ट होता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम है, जैसे कि आप मनोज आपने देखा होगा कि पेमेंट, हम जब पैसे देते हैं किसी को और भुगतान होता है, डिजिटल पेमेंट की वजह से कितना स्पीड बढ़ गया है, कितना एफर्टलेस हो गया, कितना सीमलेस हो गया, और हम ऑनलाइन कम से कम शहरों में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसके फायदे हम देख रहे हैं, और वही फायदे जो हैं अब सरकारी तंत्र में, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है, और इसमें जो लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं उनके लिए फायदा है, क्योंकि वो कई चीजें, छोटी छोटी चीजें जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको उत्पादन करते हैं, एक बड़े खरीदार जैसे रेलवे के लिए जब आप करते हैं तो आपका स्केल बढ़ जाता है, तो आपका ग्रोथ आप उसको एग्जिबिट, न केवल एग्जिबिट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इकोसिस्टम में आ सकते हैं, और आप उसको स्केल में बढ़ा सकते हैं जब जब आपके पास सामने एक बहुत बड़ा बायर होता है।
Moving on, Railways has loaded the highest ever freight of more than 114 million tons for the month of May this year. The Railway Ministry said despite the COVID challenges, the loading was 9.7% more than May 2019. Important items transported during the period include coal, iron ore, food grains, fertilizers, mineral oil and cement. The Ministry said Railways earned over 11,604 crore rupees from freight loading. It said a number of concessions are also being given in Indian Railways to make Railways freight movement very attractive. देश में आज से एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में समन्वय बनाना है। इस योजना के लागू होने से देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एक रूपता लाई जा सकेगी और ब्रांड इंडिया की छवि को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समारोह में इस योजना की शुरूआत की। लखनऊ स्थित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन बन गया है। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के तत्वावधान में तैयार हुई है और डीआरडीओ तथा भारतीय सड़क कांग्रेस सहित कई अन्य संगठनों के साथ बातचीत जारी है। बहुत संक्षेप में हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कह लें उपभोक्ता मामले से संबंधित या कह लें जीवन के हर पक्ष से संबंधित गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट का एक मानक तैयार हो सकेगा और हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल मनोज, मानक तो है पर एक राष्ट्र एक मानक होना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम एक ही बेंचमार्क को फॉलो करें, एक ही मील के पत्थर या बेंचमार्क जो है स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करें। Moving on to the commodities, oil prices today rose on expectations of growing fuel demand during the summer driving season in the United States. Prices were also boosted by Chinese data showing that the country's factory activity grew by its fastest this year in May. Brent crude prices climbed to deal near $72 per barrel, trading at its highest since March. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $71.80 per barrel, while WTI crude prices were around $68.20 per barrel. Udayan, we see that oil prices have risen. You were also talking about the fact how economic activity is picking up in major economies like the US and China. But coming back to India, today was the 17th time since May 4th that the oil prices, you know, fuel prices were raised. But on the other hand, we also see the figures show that daily petrol sales, fuel sales have, you know, gone down in April and in May. What do you make out of that? Well, it's basically economic activity. Once the economic activity sort of picks up, then the government can start relaxing this all this tax and other burdens that they can be all rationalized. Right now, when economic activity is not happening, the government has to keep supporting the public, its citizens. So I see this only as a temporary sort of measure. Things should get eased up in the coming months. आइए चलें सर्राफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम घटने के बावजूद घरेलू सर्राफा बाजार में आज इसकी चमक तेज देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 270 रुपए बढ़कर 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर अंतर्दिवसीय कारोबार में पहुंच गया। हालांकि चांदी 1,020 रुपए फिसलकर 72,920 रुपए प्रति किलो रह गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य कम होकर $1,894.10 प्रति औंस पर आ गया। चांदी $27.70 प्रति औंस पर फिसल गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much for joining us. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks close flat. Sensex ends at 51,935. Nifty settles at 15,575. Rupee weakens 28 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise to deal near $72 per barrel, trading at its highest since March. And that's it in this edition of Market Mantra. Tune in to another edition of Market Mantra tomorrow at the same time. Till then, this is Anubha Rohatgi and Manoj Pathak saying bye-bye. Namaskar.